हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा फ़ोन है तो लावा फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है तो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारी फ़ोन सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है वॉलपेपर। तो हमने वॉलपेपर सर्च कर लिया है, तो अब जिसमें से आप वॉलपेपर पर आप क्लिक करना है। और जैसे आप कोई भी लॉक स्क्रीन वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना कोई भी वॉलपेपर और यहाँ से अप्लाई करना है और यहाँ पर लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही जो हमारा लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये सेट हो गया होगा क्योंकि हमारे फ़ोन में लॉक स्क्रीन नहीं है तो इसलिए सेट नहीं है। तो इस तरीके से आप लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। जैसे आपको सेटिंग्स में जाने से नहीं मिल रही है सेटिंग आपको वॉलपेपर्स की, तो सिंपली आपको जाना है अपने फ़ोन सेटिंग्स पे। तो फ़ोन सेटिंग्स को हमने ओपन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो गई है। तो इसमें से आपको जैसे लॉक स्क्रीन वॉलपेपर इसको सेट कैसे करेंगे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारी फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है वॉलपेपर सेटिंग पे। फिर यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आप लॉक स्क्रीन वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। बस आपको यहाँ से जाना है और लॉक स्क्रीन पर अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करते ही जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर से हमारी फ़ोन की सेटिंग्स पे सेट हो जाएगा। और साथ में आप यहाँ से होम स्क्रीन पर भी सेट कर सकते हैं और होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।